तो हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का IUIT में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि HTML होता क्या है। तो हम बात करें कि HTML होता क्या है, यानी व्हाट इज HTML। तो मैं HTML का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूं कि HTML का पूरा नाम होता है पर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब आपको इसमें लिखा हुआ है कि HTML का फुल फॉर्म जो होता है पर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद से इसमें और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो दे रखा है आपको HTML का हिस्ट्री। तो इसका जो हिस्ट्री है, HTML का निर्माण टिम बर्नर्स ली ने किया था और इसको सबसे पहले यूज भी किया था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने इसकी आविष्कार किया था तो इसका यूज भी सबसे पहले करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आपको दे रखा हुआ है कि HTML और CSS में अंतर। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम कवर करेंगे HTML की और CSS की। HTML का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हम इस सीरीज के अंदर एक लैंग्वेज को सीखेंगे जिसका नाम है HTML। पूरा नाम हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस दोनों में यही डिफरेंट होता है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब HTML एक लैंग्वेज है। इसका यूज वेब पेज की संरचना या कह सकते हैं वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए किया जाता है। मतलब एक वेब पेज बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे लैंग्वेज का यूज करते हैं, लेकिन हम इस सीरीज में HTML को कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ जो बात करूंगा HTML की। फिर आता है बाद में CSS। तो हम HTML में कोई एक स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद से उसमें जो भी डिजाइन, कलर, स्टाइलिश, ये सारी चीजें करते हैं, ये होता है हमारा CSS। मतलब CSS के अंदर हम HTML में बनाए गए स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए हमने एक वेब पेज बनाया। इस वेब पेज में हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और यहाँ पर लिखा नेम। मतलब ये नेम पुट करने के लिए एक इनपुट बॉक्स बनाया और नीचे पासवर्ड के लिए एक इनपुट बॉक्स बनाया। मतलब हमने दो बॉक्स बनाया, एक नेम के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए। तो जाहिर सी बात है हमने तो एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लेकिन CSS में क्या होता है कि अब इस बॉक्स की कलर क्या होगी, इस बॉक्स की विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ये बॉक्स की मार्जिन क्या होगी, पैडिंग क्या होगी, ये सारी चीजें हम करते हैं CSS के अंदर। तो पहले हम जानेंगे कि HTML है क्या, इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हम पहली बार जब HTML का नाम सुनते हैं या HTML के कुछ कोड देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। लेकिन हम धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे, इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि HTML CSS में डिफरेंट क्या है। सिंपल डिफरेंट है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम एक वेब पेज का स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, और CSS की मदद से उस स्ट्रक्चर पेज को हम डिजाइन करते हैं, उसमें कलर डालते हैं, उसकी फॉन्ट स्टाइल बढ़ाते हैं, उसकी साइज कम ज्यादा करते हैं। मतलब ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं CSS में और स्ट्रक्चर तैयार करते हैं HTML में। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आपके सामने एक फोटोज हैं, सारे यूट्यूबर और सारे टीचर इस फोटो के मदद से आपको समझाने का काम करते हैं, तो हमने भी सोचा आपको बताएं। तो HTML का मतलब कि हमारे शरीर की ये जो हड्डियां होती हैं वो, यानी हमारा शरीर का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, यानी हम किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो हम यूज करेंगे HTML लैंग्वेज। और उसके बाद से हमें इसके अंदर डिजाइन जब करने की बात आएगी तो हम डिजाइन करेंगे CSS में। मतलब अगर हम HTML में अगर स्ट्रक्चर को नहीं तैयार करेंगे तो हम CSS का यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया होगा कि HTML में हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और CSS में हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। इसके बाद से अब हम बात करते हैं कि हम कैसे डाउनलोड करेंगे, हम कैसे HTML को डाउनलोड करेंगे, HTML का कोड किसमें करेंगे। तो HTML कोड करने से पहले दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे पहला हमारा होता है वो होता है कोड एडिटर, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है वेब ब्राउजर। मतलब इन दोनों के बिना आप कोड को नहीं लिख सकते, नहीं देख सकते। तो जो हमारा पहला कोड एडिटर होता है, सबसे बेसिक कोड एडिटर नोट पैड, दूसरा जो हम यूज करने वाले हैं VS कोड, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, तीसरा कॉफी
HTML एडिटर, चौथा नोटपैड। ऐसे ढेर सारे कोड एडिटर होते हैं जिसपे हम कोड लिखते हैं HTML की। इन कोड एडिटर में कोड लिखने के बाद से हम जो देखते हैं वो होते हैं वेब ब्राउजर। मतलब हम लिखते हैं कोड HTML में और हम देखते हैं वेब ब्राउजर पे। तो जो हमारे वेब ब्राउजर होते हैं, आपको पता होगा, सबसे पहला गूगल क्रोम, दूसरा फायरफॉक्स, तीसरा ओपेरा मिनी, यानी आपके बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं। अब बहुत सारे वेब ब्राउजर इंस्टॉल करने से ये बेनिफिट होता है कि हम जब HTML में कोड लिखते हैं, किसी भी कोड एडिटर में जब कोड लिखते हैं, तो मल्टीपल वेब ब्राउजर पे हम उस कोड को प्रिंट करा कर देखते हैं कि कैसा दिखता है। बहुत सारे वेब ब्राउजर पे हमारे एक ही सेम कोड अलग अलग टाइप से दिखते हैं। तो मतलब आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए कोड एडिटर और दूसरा चाहिए वेब ब्राउजर। इन दो की मदद से हम HTML में कोड को करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो कोड एडिटर यूज करने वाला हूं उसका नाम है VS कोड, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम कोड को लिखने वाले हैं और हम कैसे उस कोड को प्रिंट करके वेब ब्राउजर पे देखेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए इस सीरीज में, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत अलग अलग और एडवांस लेवल के हम प्रोजेक्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।